तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान जब भी देते हैं हमेशा पड़ फाड़ के देते हैं। दोस्तों, आपकी किस्मत बाज की तरह उड़ान भरेगी। जी हां, तुला राशि वालों, पहले जैसी अब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। देखने वाले भी एक बार चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप पिछले दिनों से बहुत अपने जीवन काल में परेशानी झेलते आ रहे हैं, बहुत सी मुश्किलों का परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं, जो कि दोस्तों आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल सा है। तुला राशि वालों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपकी सहन शक्ति और बेसब्री को देखकर भगवान भी विवश होकर आपकी किस्मत के लकीर को ही बदल दिए हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, अब आप सभी के जीवन काल में वह होगा जो आप चाहोगे, क्योंकि सब कुछ अब आपके मन मुताबिक चलेगा। तुला राशि वालों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, आप अपने जीवन काल में मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत ही ज्यादा करती हैं, लेकिन तुला राशि वालों, हम आप सभी को बता दें कि आप यह नहीं जानते हैं कि मेहनत कब और किन क्षेत्रों में करना चाहिए। तुला राशि वालों, अगर आप यह जान लेंगे तो इस बात की दावा है कि आपको अपने जीवन काल में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि खुद को माचिस की तिल्ली की तरह मत बनाइए, जो कि थोड़ा सा घर्षण लगने पर सुलग जाती है। खुद को वो शांत सरोवर बनाइए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद अपने आप ही बुझ जाए। तुला राशि वालों, जिंदगी में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप अपना फैसला परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया के देख कर लिए गए फैसले गलत होते हैं। तुला राशि वालों, देखिए, अगर आप दूसरों को खुश करना छोड़ देंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो इंसान दूसरों को खुश रखने की कोशिश दूसरों की चक्कर में पड़ जाता है वह इंसान सबसे पीछे और एक दिन अकेला हो जाता है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। जो दिए रात भर महल में रोशनी देता है सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। तुला राशि वालों, अगर इन बातों को अगर आप समझ पाए हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो चलिए तुला राशि वालों, बात करते हैं आने वाले अगले 24 घंटे में आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बदलाव लेकर आने वाले हैं और कौन कौन सी शुभ परिस्थितियों का निर्माण होगा। आपका व्यापार, व्यवसाय, लेन देन, करियर, बिजनेस, सभी जानकारियों को विस्तार से देंगे इस वीडियो में। तो आइए तुला राशि वालों, बात करते हैं। दोस्तों, आपके किस्मत के सितारे कहते हैं कि आज साहस दिखाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपका भाग्य आपके साथ है। आज आप जो भी करोगे सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं या निवेश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है। इस समय आप निवेश कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। साथ ही दोस्तों, सच्चा प्यार मिलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बन रही है। हालांकि आप स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सतर्क और सावधान रहें। खांसी, जुकाम, सर्दी, ठंडा आपको इसमें लग सकता है और वह आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य के लिए समय अभी उतना अनुकूल नहीं है। आपको इस समय लापरवाही करने से बचना होगा और खासकर बाहर के खान पान से अभी आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखना होगा। इसके उपरांत आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है, इसलिए दोस्तों आपके लिए यह भी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब सारा एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर आपको जो है सामान्य से काम करने में कोई तकलीफ आ रही है तो इसे ठीक करने के लिए सावधानी बरतें। ऐसी सावधानी है कि पानी की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ाएं और सुबह का मॉर्निंग वॉक भी आप कर सकते हैं। जितना योगा मेडिटेशन करेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। इसके उपरांत आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज आप अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार काफ़ी खर्चीले तरीके से सार्वजनिक रूप से दिखा सकती हैं और आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आप एक जो है सरप्राइज पार्टी भी रख सकती हैं। और आपको जो है योजनाओं में छोटी मोटी बाधाएं आती हुई दिखाई देंगी, लेकिन आपके पार्टनर को उनकी खुशी में
आपके शामिल होने और आपके गहरे प्यार को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे एक दूसरे का आपको समय अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, और जो है डाउट की जो है जो भी प्रॉब्लम यह आप अपने अंदर कभी भी हावी ना होने दें, अन्यथा बने बनाए रिश्ते बिगाड़ सकती हैं। हालांकि आप ईमानदार और मेहनती हैं, पर आज सफलता आपकी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं रहे। कुछ मामूली जो है गलतियां आपको परेशान कर सकती हैं। आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी बात विवाद से बचने का प्रयास करें, जैसे कि जो आस पड़ोस में कोई बात विवाद झगड़ा है तो उससे आपको थोड़ा सा इस समय बच कर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय की ज़्यादा संकेत बन रही है कि आपके ऊपर कोई गलत या फिर झूठा आरोप लग सकता है। इसलिए जितना हो सके इन सभी से बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन निवेश के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, निवेश आप कर सकती हैं। हालांकि ये दिन अपने जो है दोस्तों साथी के आराम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, और इनके लिए आप संभव हो तो आप अपने दिन का अवकाश भी ले सकते हैं और अपने माता पिता के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें, बच्चों के साथ समय व्यतीत करें तो आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपको बताना चाहेंगे। आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीज़ें आई है और आमने सामने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार भी हैं। पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें, आपको अभी और भी प्रयास करने हैं और इससे आपकी तरक्की की जो है मजबूत नींव पड़ेगी। अगर इनके बीच खुद को तरोताज़ा करना और खुश करना भी आपको नहीं भूलना है, याद रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। इसके उपरांत आपको बताना चाहेंगे, आपकी आंखें लेंस की तरह हैं और लंबे समय तक आप इसे काम लेना चाहती हैं तो आपको अपनी आंखों की साफ सफाई जरूर करवानी चाहिए। आपका बताना चाहेंगे कि आपका एक अर्थ यह भी है कि आपको अपनी आंखों की जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के अनुसार ये भारीपन महसूस हो रही है और आपकी आंखों में कोई संक्रमण भी हो सकता है जिसका पता शायद आपको अभी न हो, लेकिन बाद में इसका पता चलने पर आप एकदम से चौंक जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा। इसलिए दोस्तों अभी से ही सतर्क रहेंगे तो शायद आपके लिए बेटर रहेगा। इसके उपरांत अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो सकती है जिसका आपके साथ एक करीबी रिश्ता रहा है। इस मुलाकात की वजह से आप पुराने मौजूदा संबंधों की गलतफहमियों को भी इस समय जो है गतिशीलता बढ़ा सकती हैं या उसका स्वरूप भी पूरी तरह से बदल सकता है। यह पुराने रिश्तों का नवीकरण करने के लिए एक नई शुरुआत को भी चिन्ह कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, इससे छिपाएं नहीं, और इस तरह की आप एक बेहतर जिंदगी को भी जी पाएंगे जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। हालांकि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने बेचैनी और सावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे। देखिए, नवीनतम अधिक समय होने के बावजूद आपका जो है बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपको बताना चाहेंगे, एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपयुक्त है और अगले दिनों के लिए तरोताज़ा महसूस करें। आपको कुछ चेंजिंग अपने लाइफ में ज़रूर दिखेगा। देखिए, समय अभी आपके पक्ष में है। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस समय सभी पहलुओं को अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद उस पर अमल करना होगा। जाने अनजाने में बिना सोचे समझे कहीं पर आप इस समय कदम रखेंगे तो दिक्कत हो सकता है। वैसे समय आपके पक्ष में है और भाग्य दोनों आपके पक्ष में है, इनका लाभ उठाएं, सदुपयोग करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।